पढ़ रहे थे भाई, लास्ट वाली क्लास में हम स्टार्ट ही किया था हमने, क्या लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, क्या स्टेटमेंट है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की। तीन तरीके के आपको रिटर्न मिलेंगे। फर्स्ट टाइप ऑफ जो रिटर्न है वो आपको है फर्स्ट टाइप के आपको रिटर्न है वो आपकी इंक्रीजिंग रेट ऑफ रिटर्न, इंक्रीजिंग रिटर्न टू ए फैक्टर ऐसे बोल सकते हो, रिटर्न टू ए फैक्टर। फिर आपका क्या मिलेगा, फिर आपके पास मिलेगा क्या कॉन्स्टेंट रिटर्न टू ए फैक्टर, नहीं फैक्टर की बात करें कॉन्स्टेंट रिटर्न टू ए फैक्टर, और तीसरा डिमिनिशिंग। कॉन्स्टेंट, इंक्रीजिंग, कॉन्स्टेंट और डिमिनिशिंग। इंक्रीजिंग में पहले आपका ये जो चीज है आपकी जो टोटल प्रोडक्ट है इंक्रीजिंग रेट से बढ़ेगा फर्स्ट स्टेज में, ठीक है, क्या होगा आपका इंक्रीजिंग रेट से आपका बढ़ेगा। उसके बाद क्या होता है, ये बढ़ेगा आपका लेकिन किससे, डिक्रीजिंग रेट से आपका बढ़ रहा होगा सेकेंड स्टेज में, ठीक है। एक पॉइंट आएगा जहां पर आपका ये मैक्सिमम पर पहुंचेगा और ये नीचे चला जाएगा, तो ये जो स्टेज है आपकी ये आपकी होगी फर्स्ट सेकेंड स्टेज। फर्स्ट स्टेज में क्या होगा कि आपका टोटल प्रोडक्ट इंक्रीजिंग रेट से बढ़ेगा यहाँ इस पॉइंट तक, मेरी बात समझ में आई आपको, ये अभी आपका बढ़ रहा है, क्या बढ़ रहा है आपका मार्जिनल प्रोडक्ट बढ़ रहा है और तभी आपका टोटल प्रोडक्ट आपका इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है, तो ये आपकी हुई फर्स्ट स्टेज। सेकेंड स्टेज में क्या है, मार्जिनल प्रोडक्ट कम होना शुरू हो गया है, यहाँ तक चल रहा है कम होना शुरू हो गया है अभी, लेकिन टोटल प्रोडक्ट बढ़ रहा है लेकिन डिक्रीजिंग रेट से, कॉन्स्टेंट रेट से बोलते हैं कि मतलब सेम रेट से बढ़ रहा होगा। फिर आपका क्या होगा, जब ये मार्जिनल प्रोडक्ट आपका जीरो हो जाएगा टोटल प्रोडक्ट अपने मैक्सिमम पहुँच के कम होना शुरू हो जाएगा, कोई भी अपना टोटल प्रोडक्ट कम करना नहीं चाहेगा, तो ये स्टेज तो अच्छी होती नहीं है। अभी इसमें आपको और मिल रहा है तो मतलब प्रोडक्शन और करोगे आप। सेकेंड स्टेज ऐसी स्टेज है कि आप यहाँ पर जैसे जैसे आप लगा रहे हो वैसे वैसे आपको क्या हो रहा है, आपका टोटल प्रोडक्ट बढ़ रहा है, जैसे थोड़ा सा बढ़ रहा हो। फॉर एग्जांपल आपको एक सब्जेक्ट आ गया है और उसमें थोड़ी थोड़ी नॉलेज आप ऐड कर पा रहे हो, एक ऐसे है कि आप कुछ अलग ही चीज़ पढ़ रहे हो, पजल हो रही हो, जो आपकी नॉलेज थी वो भी ख़त्म हो रही है, तो वो तीसरी स्टेज है, वो नहीं करनी हमने। क्या करनी है, जो थोड़ा सा एडिशन हो लेकिन हमें एडिशन करना है, तो वो कौन सी स्टेज होती है आपकी, सेकेंड स्टेज। मेरी बात समझ में आ गई आपकी। एंड एक आपने बात पढ़ी थी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है, जहाँ पर आपका फर्स्ट चेंज आता है, और फर्स्ट चेंज कहाँ पे आया, ए पर। कोई भी कव हो, चाहिए आपका कॉस्ट कव हो, रेवेन्यू कव हो, कुछ भी कव हो, जहाँ पर फर्स्ट चेंज आ गया वही आपका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बन गया, ठीक है। तो ये आपका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, फर्स्ट स्टेज में आपका टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज हो रहा होता है इंक्रीजिंग रिटर्न से। सेकेंड जो स्टेज होती है उसमें क्या होता है, टोटल प्रोडक्ट बढ़ रहा बढ़ेगा लेकिन घटती रेट से, कॉन्स्टेंट रेट या घटती रेट से। तीसरे में आपका टोटल प्रोडक्ट कम होगा, ये आपका नेगेटिव हो जाएगा। अभी देखो एपी आपका बढ़ रहा होता है, ये कम हो रहा है लेकिन एपी बढ़ रहा होता है, ये इसके मैक्सिमम पर काट के ऐसे निकल जाएगा, आगे समझ में। अब मैं इसको आपको एक एग्जाम्पल से कराता हूँ। हाँ भाई, हमारे पास कुछ डेटा गिवन है, डेटा में क्या है कि हम रिटर्न टू फैक्टर कैलकुलेट कर रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, फिक्स वेरिएबल्स के साथ, जो फिक्स आपका फैक्टर उसके साथ एक वेरिएबल फैक्टर को हम लगा रहे हैं, और किसी भी रेशियो में यूज कर सकते हैं, ये आपको दिया हुआ है 1:2, 1:3, 1:4, 1:5, 1:1, कोई भी रेशियो यूज करो। तो आपके पास ये आपके पास प्रोडक्टिविटी दे दी, मार्जिनल प्रोडक्ट आपके पास दे दिया कि एडिशनल प्रोडक्ट को यूज करने से कितना मिल रहा है, तो मार्जिनल प्रोडक्ट 6:14, फर्स्ट यूनिट के साथ 6, टोटल प्रोडक्ट 6, एवरेज प्रोडक्ट 6, सेकेंड में 14, ये बढ़ गया 20 और ये भी बढ़ रहा है 20। जब मार्जिनल प्रोडक्ट इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है, जब मार्जिनल प्रोडक्ट बढ़ रहा है तब एपी भी बढ़ेगा और टोटल प्रोडक्ट इंक्रीजिंग रेट से बढ़ेगा। देखो ये और बढ़ रहा है, ये इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है, पिछली बार 14 ही बढ़ा था, अब की बार 28 बढ़ा है, ये भी बढ़ा है, 28 से 40 अब कम हो गया है, कम हो गया ना, टोटल प्रोडक्ट बढ़ रहा है क्या, एवरेज प्रोडक्ट ये भी बढ़ रहा है आपका। देखो ये चीज़ पॉसिबल है क्या, कि
मार्जिनल प्रोडक्ट आपका कम हो रहा हो, टोटल एवरेज प्रोडक्ट आपका बढ़ रहा हो गया ना पॉसिबल, ठीक है। क्यों? क्योंकि मार्जिनल प्रोडक्ट का जो मैक्सिमम वो पहले आ जाता है एवरेज प्रोडक्ट से, तो ऐसी ऐसे काटेगा, इसको मैक्सिमम पर काटता है। अभी जो ग्राफ बनेगा कुछ आपका इस तरीके से बनेगा, ये तो लगा लो मार्जिनल प्रोडक्ट, और जो आपका ये आपका एवरेज, अभी देखो बढ़ रहा है ये, अब कम होना शुरू हो गया है एवरेज प्रोडक्ट, ठीक है। अब इसका ये इसकी जो स्टेज बनेगी आपकी, ठीक आ गई ना समझ में बात, ये यहां तक बढ़ रहा है, आगे देखो ये कम होना शुरू हो गया है और ये बढ़ रहा है लेकिन डिक्रीजिंग, यहाँ तक बढ़ा है मैक्सिमम पहुंचा, नीचे की साइड चला, एवरेज प्रोडक्ट देखो अभी बढ़ रहा है ये कम हो रहा है, सारी स्टेज आपको क्लियर हो गई है, ठीक है। और ये आगे देखो फिर अभी इसने डिक्लाइन होना शुरू कर दिया, इसने भी इसका डिक्लाइन होना शुरू कर दिया है, 18, 16, 80 मतलब 8, अब 24, 18, 8, 16, 4, 14 कम होते हुए नेगेटिव में चला गया। ये कभी नेगेटिव नहीं होगा एवरेज प्रोडक्ट, ना टीपी में नेगेटिव होगा, आई समझ में रिलेशन, ठीक है ना। जो यहाँ रिलेशन है आपकी वो इस तरीके से है कि टीपी इंक्रीजिंग रेट से बढ़ेगा अगर मार्जिनल प्रोडक्ट बढ़ रहा है, टीपी मैक्सिमम होगा जहाँ पर मार्जिनल प्रोडक्ट जीरो होगा, टीपी डिक्लाइन होगा जहाँ पर मार्जिनल प्रोडक्ट नेगेटिव होगा। एवरेज प्रोडक्ट की बात करें तो जब एमपी बढ़ेगा तो एपी भी बढ़ेगा, जब एमपी गिरेगा तो एपी भी कम होगा, लेकिन ये चीज़ भी पॉसिबल है कि एमपी गिर रहा हो और एपी बढ़ रहा हो, ये तीनों चीज़ पॉसिबल है, आगे ना रिलेशनशिप, ठीक है, ओके वेरी गुड। क्यों हो रहा आपके पास? दूसरा आता है कि कौन सी स्टेज अच्छी होती है, सेकंड ये हम बता चुके हैं, अब आता है कि ये लो लगता क्यों है आपका, मतलब ऐसा क्यों हो रहा है कि पहले आपको इंक्रीजिंग रिटर्न से मिल रहा है, फिर कॉन्स्टेंट से, फिर डिमिनिशिंग, फिर कम, मतलब कम भी होने लग जाते हैं, तीनों के अलग अलग भी रीजन है। और अगर कंबाइंड में देखना चाहो आप, देखो इंडिविजिबिलिटी ऑफ फैक्टर्स, देखो क्या होता है आपके पास, ये आपके पास एक है, इसको क्या आप डिवाइड कर सकते हो? आप नहीं कर सकते ना, बिल्कुल आप इसी पर आपको काम कराना पड़ेगा। अब इसको नहीं काम करा सकते, अब मान लो पहले पर्सन कम है आपके पास, मान लो एक पर्सन काम कर रहा है एक खेत पे, तो उसकी प्रोडक्टिविटी कम ही होगी एज कम्पेयर टू जब तक उस पर फुल कैपेसिटी नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर 20 की शीटिंग है तो 20 जब तक नहीं बैठ जाते तब तक इसकी क्या वो जो क्या बोलते हैं प्रोडक्टिविटी वो बढ़ के ही आएगी आपके पास। यानी इस जो फिक्स फैक्टर इसको टुकड़े नहीं कर सकते कि भाई आज स्टूडेंट्स कम है तो इसका इतना स्पेस यूज हो जाएगा, आज नहीं होगा, ऐसा नहीं होता। यानी फैक्टर्स को आप टुकड़ों में नहीं कर सकते, इसलिए जैसे जैसे आप फिक्स के साथ वेरिएबल लगाते जाओगे उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ के आ जाएगी, ठीक आ गई बात समझ में, ठीक है। दूसरा आपके पास क्या है, ये वाला चेंज इन फैक्टर रेशो, फैक्टर रेशो बढ़ा है एक लिमिट तक, जब तक वो ऑप्टिमम पहुंचेगा उसके बाद वो गिरना शुरू हो जाएगा, कहाँ कितने लोग बैठेंगे इसमें, उसके बाद फिर क्या होगा, एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, नुकसान होगा। और कि हर एक का कोई परफेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं होता, भूख लगी आपको, घर से खाना नहीं लेके आए, सोचा बाहर से खाना खा लेते हैं, बाहर आप खाना खाए तो आप हमेशा कहते हैं कि बाहर का खाना अच्छा नहीं होता, चलो आपने फास्ट फूड खाया तो भी अच्छा नहीं है, अल्टरनेट तो है लेकिन परफेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं है, उसे हेल्थ पे भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, और पता भी सबको है कि भाई ये चीज़ अच्छी नहीं होती, फिर खाते भी सब ये, है ना। तो ये क्या है, ये तीन रीजंस है, मतलब मेनली ये पूरे लो लागू होने के, फर्स्ट होता है इंडिविजिबिलिटी ऑफ फैक्टर, कौन सा फैक्टर, फिक्स फैक्टर। दूसरा, जैसे जैसे आप आउटपुट रेशियो चेंज करेंगे वैसे वैसे पहले प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, कॉन्स्टेंट होगी, कम हो जाएगी। और तीसरा, इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है, कोई परफेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं है आपका, ठीक है। अब इसके ओरिजिन देखिए, मतलब लो कैसे अगर ये चेंज करना चाहिए, वैसे क्वेश्चन नहीं आता, अगर आप टेक्नोलॉजी में चेंज करते, टेक्नो मतलब एक जैसे रोबोट सिस्टम आजकल काम करते हैं, ऑनलाइन सब कुछ है, तो देखिए प्रोडक्टिविटी अपने आप बढ़ी, उनको कोई फर्क नहीं पड़ती, ना टायर्डनेस आती, ना थकान, ना कुछ, और अपने आप काम करते रहेंगे तो उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। या फिर आपके पास परफेक्ट सब्स्टिट्यूट मिल जाए, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। उसके बाद आया रिटर्न टू ए, जो फैक्टर जैसे मैंने कहा इंक्रीजिंग रिटर्न, इंक्रीजिंग में क्या होगा आपका, बढ़ रहा होगा, बढ़ रहा होगा कैसे, ये जैसे टोटल प्रोडक्ट है 4, 10, 17, 15, मार्जिनल प्रोडक्ट देखो 4,
सिक्स सेवन और एट बढ़ रहा है ना, पक्का बढ़ रहा है, बढ़ रहे हैं। ओके चलो ठीक, ये देखो आप, ये टोटल प्रोडक्ट आपका, टोटल प्रोडक्ट का शेप इस तरीके से बनेगा, ये एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड का मतलब क्या है कि ये फैक्टर्स बढ़ा रहे हैं, पहले एक्स लेवल पर, फिर वाई पर, फिर जेड पर, और ये आपका रेशियो ए से माइनर प्रोडक्ट इतना बड़ा, सॉरी ये आपका टोटल प्रोडक्ट है आपके पास, सॉरी ये आपका माइनर प्रोडक्ट है। अब ये जो रेशियो है, ये जो बढ़ाया आपने, अब ए से बी में जाने में ये ज़्यादा मिलेगा, और बढ़ाया ये और ज़्यादा मिलेगा, यानी कि एक्स टू वाई गए हो आप, एज कम्पेयर टू जो ये चेंज आया ना, ये आपका कम होगा एज कम्पेयर टू ए टू बी। अगर यहाँ 10% का चेंज करोगे तो यहाँ पर 20 का आएगा या कुछ भी आएगा, मतलब चेंज ज़्यादा आएगा, तभी तो इंक्रीजिंग मिलेगा ना आपको। देखो आपको हर बार आपका हुआ क्या है यहाँ पे, ये देखो यहाँ इधर हर बार जैसे ही आपने अलग लेबर लगाया, टोटल प्रोडक्ट इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है, 4, 6, 7, 8, इसलिए तो लिखा ना एक्स से वाई गए तो ये कम है एज कम्पेयर टू ए टू बी। ये देखो एक्स से वाई कम है एज कम्पेयर टू ए टू बी, वाई से जेड ये भी कम है आपका ए बी टू सी। आई समझ में ये वाली बात, ये क्या लिखा हुआ ए टू बी और बी टू सी, आ गए ना समझ में, मतलब ये ज़्यादा आपको रिटर्न मिल रहा है, कॉन्स्टेंट का मतलब इक्वल मिलेगा। देखो एक और बात आती है आपके पास, रीजन क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका एग्जाम में, एज इट इज मिलेगा कि आप किसी भी कंपनी में, फर्म में, किसी भी प्रोड्यूसर को इंक्रीजिंग रिटर्न टू ए फैक्टर क्यों मिलता है। बिल्कुल अभी आपने पढ़ा था ना इंडिविजिबिलिटी ऑफ फैक्टर, अब वो पूरा एक्सप्लेनेशन यहाँ पर है आपके। सबसे पहले देखा है कि अंडर यूटिलाइजेशन, किसका अंडर यूटिलाइजेशन, ये देखना है फिक्स फैक्टर का, आपके पास ये सीटिंग कैपेसिटी है ये फिक्स्ड है 30 की जो भी आपके पास है, जब तक इसको फुल यूटिलाइज नहीं कर सकते तब तक जैसे जैसे आप मतलब अप टू 30 इसमें आपको इंक्रीजिंग रिटर्न से ही मिलेगी। क्यों? क्योंकि अभी इसका पूरा यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है, प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है, ठीक है, तो इसलिए आपको इंक्रीजिंग रिटर्न से मिल रहा है। दूसरा आप क्या है कि जैसे जैसे आप और लोग ऐड करोगे एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, इंक्रीज इन एफिशिएंसी, क्योंकि अपर यूनिट जब मैं कॉस्ट निकालूँ एज कम्पेयर टू पहले 5 पे डिवाइड हो, फिर 10 पे डिवाइड हो, 20 पे डिवाइड हो, तो कम होती चली जाएगी, तो एफिशिएंसी आपकी इंक्रीज होगी, और एक जैसे जैसे आप बढ़ाओगे वैसे वैसे आपका बेटर कोऑर्डिनेशन होता चला जाएगा। देखो यहाँ पर कितनी कैपेसिटी है, मान लो 30 की कैपेसिटी है, पहले आप 1 बैठाए, फिर आपने 5, 10, जब तक 30 पर नहीं पहुँच जाते तब तक आपका बेटर कोऑर्डिनेशन होता ही चला जाएगा। तो तीन रीजन आपने पढ़े एग्जाम में एज इट इज आते हैं, अंडर यूटिलाइजेशन किसका हो रहा है, फिक्स फैक्टर का, इस वजह से आपको इंक्रीजिंग रिटर्न से फैक्टर मिल रहा है। दूसरा जैसे जैसे आपने प्रोपोर्शनल बढ़ाया एफिशिएंसी इंक्रीज होगी और आपका बेटर कोऑर्डिनेशन होगा, ठीक है। अब दूसरा है आपके पास कांस्टेंट रिटर्न, ये देखो कांस्टेंट बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनेगा और ये आपका टीपी स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन यानी एक लीनियर आपका इंक्रीज होगा 10, 20, 30, 40। इधर देखो 10, 10, 10 आपका माइनर प्रोडक्ट जो आपका क्या रहा है 10, 10, 10 आपका आ रहा है। एक्स वाई का देखो यहाँ पर रेशियो सेम मिलेगा, ये वाला जो रेशियो अगर आएगा ना ये आपका क्या मिलेगा, सेम मिलेगा ऐसे, ये आपका सेम मिलेगा बराबर का, ठीक है, एज कम्पेयर टू वहाँ पे। और ये क्योंकि माइनर प्रोडक्ट आपका कांस्टेंट है, वहाँ पर माइनर प्रोडक्ट बढ़ रहा था, यहाँ पर माइनर प्रोडक्ट आपका कांस्टेंट हो रहा है, तो ये ऐसे मिलेगा 10, 20, 30, 40, ठीक है, आई बात समझ में। और एक्स टू वाई ये इक्वल, वाई टू वाई ये जेड ये भी आपका इक्वल होगा, दो समझ में आया। और इसका देखो क्या है, इसका इक्वल आने का क्या चांसेस, यानी अब 30 बंदे हैं तो 30 बंदे बैठ चुके हैं, मतलब ऑप्टिमम आपका पूरा का पूरा कम्बिनेशन बन चुका है, यानी ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो रहा है फिक्स फैक्टर का, 30 बंदे हैं 30 ही बैठे हैं, पूरा यूटिलाइज हो रहा है तो रिटर्न भी कॉन्स्टेंट मिलेगी। आइडल, इससे बढ़िया आइडल फैक्टर रेशियो हो नहीं सकता, रूम 30 ही सीट सब कुछ, ठीक है ना, आइडल हो गया। और तीसरा इस मोस्ट एफिशिएंट यूटिलाइज हो रहा है आपका वेरिएबल फैक्टर, तीन रीजन समझ में आए। वहाँ देखिए क्या था, वहाँ अंडर यूटिलाइजेशन था, फिर जैसे जैसे बढ़ाया एफिशिएंसी इंक्रीज, बेटर कोऑर्डिनेशन होता चला गया, यहाँ हो गया है 30 पर पहुँच गए हो, तो यानी ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो गया है आपका, आइडल फैक्टर रेशियो हो गया, मोस्ट एफिशिएंट यूज हो गया, ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब तीसरे में कम होना शुरू हो जाएगा। अब शुरू होने का रीजन क्या है, वहाँ पर क्या था, अंडर यूटिलाइजेशन था ना,
और यहाँ पर क्या आपका ओवर यूटिलाइजेशन, फिक्सिटी ऑफ फैक्टर बोल देते हैं इसको। ये देखो टोटल मार्जिनल प्रोडक्ट आपका कम हो रहा होगा, ये देखो आप यहाँ लगा तो क्या रहे हो, ज़्यादा लगा रहे हो इधर आपको कम मिलेगा, ये इधर वाला देखो आप ज़्यादा लगा रहे हो और मिल्क आपको कम रहा है एक्स टू वाई, ठीक है। इसका रीज़न क्या है कि अब देखो 30 बंदे बैठ सकते थे, 30 से ज़्यादा जैसे ही बैठाया आपने और लोग आए तो आपको या तो दूसरा स्पेस करना पड़ेगा अरेंजमेंट या कुछ अलग से चेयर लेके आनी पड़ेगी, तो इससे क्या होगा ओवर यूटिलाइजेशन होगा, कॉस्ट बढ़ेगी। तो क्या होगा आपका, इसको देखो फिक्सिटी या आपका ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ वेरिएबल एज वेल एज फिक्स फैक्टर, दोनों का आपका क्या होगा ओवर यूटिलाइजेशन। इम्परफेक्ट फैक्टर सब्स्टिट्यूट, देखो फैक्टर सब्स्टिट्यूट है नहीं आपका, फॉर एग्जांपल चेयर का सब्स्टिट्यूट आप स्टूल से लगाओ तो ये नहीं है पॉसिबल। और तीसरा आप पुअर कोऑर्डिनेशन होता चला जाएगा, जैसे आपको पता है कि एक लिमिट तक मान लो 30 स्टूडेंट बैठे हैं तो उनको अच्छे से कोऑर्डिनेट कर पाए, एक 500 बच्चे बैठे क्लास में किसी का फेस भी याद ना हो कौन कौन क्लास में आया था, मेरी बात समझे ना आपको, तो ये वाली बात है कि पुअर कोऑर्डिनेशन हो जाएगा जैसे जैसे आपके लोग वो बढ़ जाएंगे। तो ये रीज़न है कि इसका डिमिनिशिंग या डिक्रीजिंग रिटर्न टू ए फैक्टर। देखो आपने अभी जो पढ़ा है वो पढ़ा है आपने इंक्रीजिंग रिटर्न टू ए फैक्टर क्यों मिलते हैं उसके रीजन, इंक्रीजिंग मिलेगा तो एम पी ऐसे बढ़ेगा और जो आपका टी पी वो भी इस तरीके से शेप में बन जाएगा। रीजन क्या था, अंडर यूटिलाइजेशन किसका, फिक्स फैक्टर का, तीनों को बराबर में लिख लो आप। यहाँ पर अंडर यूटिलाइजेशन था जो आपका यहाँ पर कॉन्स्टेंट मिल रहा था वहाँ पर था ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, और यहाँ पर क्या आपका ओवर यूटिलाइजेशन, ओवर यूटिलाइजेशन। एग्जाम में क्या एरर होती है कि जैसे बच्चा सोचता है कि यहाँ पर तो अंडर यूटिलाइजेशन हो रहा है वहाँ पर ओवर यूटिलाइजेशन, ये सबसे बड़ी एरर होती है, पहली चीज़ समझिए। दूसरा वहाँ पर जो फैक्टर ऐसा था वो बेटर कोऑर्डिनेशन होता चला जा रहा था, वहाँ पर आपका क्या था आइडल था और यहाँ पर क्या हो गया पुअर, ठीक है ना। तीसरा वहाँ पर जो थी एफिशिएंसी इंक्रीज हो रही थी, वहाँ पर जो आउटपुट रेशियो था वो आपका आइडल था और आपका क्या हो रहा था ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो रहा था चीज़ का, और यहाँ पर आपका इम्परफेक्ट होता है सर। ये तीन रीजन थे, आया समझ में, ठीक है। हाँ जी, फिक्स फैक्टर में आपका था रिटर्न टू फैक्टर, आपके एक शॉर्ट टर्म कंसेप्ट है जहाँ पर आपके पास फिक्स और वेरिएबल दो तरीके के फैक्टर हैं। रिटर्न टू जो स्केल है आपका वो आपकी एक लॉन्ग रन कंसेप्ट है। लॉन्ग रन कंसेप्ट का मतलब क्या है कि यहाँ पर आपके सारे के सारे फैक्टर वेरिएबल हैं। लॉन्ग रन का मतलब होता है कि आप कुछ भी चेंज कर सकते हो, आपका घर है यहाँ से, आप मान लो अभी रहते हो आप इंडिया में, आप अपने शिफ्ट करके यूएसए चले जाओ, लॉन्ग रन में 50 साल की बात कर रहा हूँ मैं, चले जा सकते हो ना। हो सकता है कि आपकी खुद की ट्रेन हो, खुद के एयरप्लेन हो सकता है ना, लॉन्ग रन में पॉसिबिलिटी तो है ना। लॉन्ग रन का मतलब है आप ऐसा टाइम पीरियड जहाँ पर सब कुछ वेरिएबल हो सकता है। फिक्स फैक्टर अभी आपके पास मान लो 2 एकड़ ज़मीन है, 200 एकड़ करना चाहो हो सकता है, कुछ भी पॉसिबल है, नथिंग इज इम्पॉसिबल इन लॉन्ग रन, है ना। क्या कभी किसी ने सोचा था 1600 में क्योंकि मोबाइल फोन भी आएंगे, ऐसे दिमाग में आएगा कि ऐसी ऐसी चीज़ हो जाए कि मतलब दूर से कॉन्टैक्ट हो जाए, ऐसे दिमाग में आया होगा। जैसे अपने भी अभी ऐसे दिमाग में आता है ये टाइम जो खराब टाइम पे जल्दी से चला जाए या बचपन के दिन वापस आ जाए, ये सब चीज़ें क्या है, ये लॉन्ग रन में पॉसिबल है। जो हम सोच रहे हैं आज से 1000 साल बाद क्या पता पॉसिबल हो जाए, जब आप हो ही ना हो, या हो तो क्या पता कोई चिट्ठी बने हो, कोई कुछ बने हो, कुछ बने हो, इस तरीके की चीज़ें, अगर ऐसी पुनर्जन्म की कुछ कहानी है तो, है ना। हो सकता है आप प्लास्टिक बने हो किसी में, बाल्टी बनने को तो कुछ भी बन सकते हैं ना, अब यही तो बात है, कुछ भी बन सकते हो आप, जरूरी होगी अगली बार भी फिर इंसान बन के आए। चलो कुछ भी हो सकता है। रिटर्न टू स्केल का मतलब होता है लॉन्ग रन कंसेप्ट, कुछ भी चेंज करोगे लेकिन प्रोपोर्शनेट चलेगा, रेल की पटरी की तरह इक्वल चलेगी। मतलब अब यहाँ पर अगर मान लो एक लैंड है ना, तो अगर आप इस पर 2% काम करते हैं, 2 लेबर काम करती है, तो रेशो आपका यही रहेगा। आप ये रेशो ले रहे हो ना 1:6 का, तो हर बार 1:6 को ये रेशो रहेगा। अब 2 कर दिया ना यहाँ पर, तो वहाँ क्या आ जाएगा 12,
और तीन कर दिया तो 18, समझ में आई ये वाली बात। फोर कर दिया तो कितना आएगा 24, समझ में आई ये बात। रेशो आपका प्रोपोर्शनेट चेंज होगा यहाँ पर लॉन्ग रन में, या 1:2 है तो यहाँ पर क्या आएगा 2:3:4, रेशो समझ में आ गया। रिटर्न टू स्केल एक लॉन्ग रन कंसेप्ट है जहाँ पर प्रोपोर्शनेट चेंज होगा इनपुट्स में, लेबर कैपिटल जो कुछ भी आप ले रहे हो, चाहे लैंड ले रहे हो, लेबर ले रहे हो, कैपिटल ले रहे हो, जो भी दो ले रहे हो आप, ठीक है। देखो ऑल इनपुट्स आर वेरिएबल, ठीक है, कुछ भी फिक्स नहीं होता, लेकिन सेम प्रोपोर्शन में चेंज आएगा 1:2:2:4:3:4, ये सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है दोनों में। क्वेश्चन भी ये आता है रिटर्न टू फैक्टर एक शॉर्ट रन कंसेप्ट है, रिटर्न टू स्केल लॉन्ग रन कंसेप्ट है, वहाँ पर एनी प्रोपोर्शनेट आता है, यहाँ पर आपका सेम प्रोपोर्शनेट, दोनों में इस तरीके से आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। वहाँ पर फिक्स फैक्टर भी होता है, लेबर वेरिएबल भी होता है, यहाँ पर सारे के सारे वेरिएबल होते हैं। ओके, लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल क्या कहता है कि जैसे जैसे आप इसको प्रोपोर्शनेट को बढ़ाओगे वैसे वैसे आपको क्या मिलेगा, इंक्रीजिंग रिटर्न मिलेगा, डिक्रीज कॉन्स्टेंट रिटर्न मिलेगा, और क्या मिलेगा, डिक्रीजिंग रिटर्न। जैसे वहाँ पर आपने पढ़ाया ना रिटर्न टू फैक्टर सेम एज इट इज है, बस यहाँ पर लॉन्ग रन की कंसेप्ट है, सेम प्रोपोर्शनेट में आपने चेंज करना है। अब देखो इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल देखो क्या होता है, रेशो तो आपको समझ में आया कि रेशो में चेंज आएगा, व्हेन ए गिवन परसेंटेज इंक्रीज इन ऑल फैक्टर इनपुट्स कोज इन प्रोपोर्शनेटली इन ग्रेटर इंक्रीज इन आउटपुट। 10% का चेंज किया आपने इनपुट्स में, आउटपुट में चेंज आया 20% का, इंक्रीजिंग रिटर्न से मिला। आपने रेशियो चेंज किया किसका, रेशियो चेंज किया इनपुट का 20%, आउटपुट का रेशियो आया कितना 40%, 50%, 60% कुछ भी है, तो वो क्या होगा, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। इनपुट में चेंज किया 10% का, आउटपुट में भी आया 10% का, तो कांस्टेंट। 5% का किया तो 5% तो भी कांस्टेंट, और किया 10% का चेंज आया 5% का चेंज तो आपका डिमिनिशिंग। आया समझ में? हाँ जी, देखिए हमारे पास क्या है, हमने जो इनपुट का चेंज किया 1:2:2, 2:3, 3:4 जो भी परसेंटेज कैलकुलेट हुई, देखो अगर हमने 1:2 पे किया हो, या 2:4 पे किया हो, या आप दोनों का टोटल कर सकते हो, 3:6 पे किया हो, तो 100% चेंज आया, और 100% चेंज करने से आउटपुट जो चेंज आया 10 से हो गया 30, और ये हो गया आपका 200%। आगे समझ में? यानी जो चेंज इन आउटपुट है या परसेंटेज चेंज इन आउटपुट है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू चेंज इन रेशियो ऑफ इनपुट। फिर आपने किया 4:6, 50% का चेंज किया और आपका बढ़ गया 30:60, 100%, ये भी ज़्यादा है आपका। फिर आपने नेक्स्ट किया 56:8, या टोटल करके देख लो कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे इसको इकट्ठा करके देख लो चाहे एक पे देख लो, क्योंकि सेम प्रोपोर्शनेट में चेंज हो रहा है। अगला जो चेंज आया वो आया 30% का, यहाँ पर भी 30% का, यहाँ पर 25% का, यहाँ पर भी 25% का, ठीक है। उसके बाद आपके पास यहाँ चेंज आया 20% का, यहाँ आया 10% का, यहाँ आया 16% का, यहाँ आया 9% का, यहाँ आया 14% का, यहाँ आया 4% का। जब आपको मिल रहा हो क्या इनपुट का जो परसेंटेज है उसे ज़्यादा मिल रहा हो आउटपुट का, तो वो तो हो गया आपका इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। और अगर आपको बराबर का मिल रहा है तो कॉन्स्टेंट, और कम मिल रहा है तो डिमिनिशिंग या डिक्रीजिंग, डिमिनिशिंग और डिक्रीजिंग, ठीक है। क्लियर हो गई कंसेप्ट? फिर से सुनिए, रिटर्न टू स्केल एक लॉन्ग रन कंसेप्ट है जहाँ पर सारे जो इनपुट्स है सारे वेरिएबल है, किसी भी रेशियो में यूज नहीं कर सकते, सेम प्रोपोर्शनेट में आपको यूज करना होगा, सेम रेशियो में 1:2:2:4:4:6:4:8, मतलब एक ही रेशियो रहेगा, उसका रेशियो में चेंज करने से आउटपुट के रेशियो में क्या चेंज आया है वो उन दोनों के बीच में रिलेशनशिप बताता है रिटर्न टू स्केल। रिटर्न टू स्केल आपका इंक्रीजिंग भी हो सकता है, कॉन्स्टेंट भी हो सकता है, और आपका डिक्रीजिंग भी होता है, और आपके सामने ये एग्जाम्पल ने इसने को प्रूफ कर दिया। हाँ जी स्टूडेंट, क्या बताया आपको, ये जो इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल है, ये देखो ये परसेंटेज है आपका है,
ये 5 से 10 पे गया है और ये 10 से 50 पे चला गया है, तो इससे ज़्यादा चेंज आया है परसेंटेज में भी, यानी इनपुट का जो आपका रेशो आया वो इतना है और इसका इतना रेशो चेंज आया, तो ये आपको इंक्रीजिंग मिला, इसका इस तरीके से बढ़ेगा ये, ठीक है। उसके बाद आया कॉन्स्टेंट का, तो कॉन्स्टेंट का रेशो सेम रहेगा, जैसे ये 10 से 20 पे गया, 10 से 20 पे गया, तो ये 50-50 आया आपके पास, तो भी आपका क्या हुआ, कॉन्स्टेंट रिटर्न हुआ। तीसरा आया डिमिनिशिंग, जितना चेंज आएगा इनपुट में उससे कम आएगा, जैसे यहाँ पर आपका 10 से 30 पे गया, 10 से 20 पे गया, तो ये आपका कम आया आपके पास, ठीक है, आया समझ में, चलो ठीक है। ये वाला टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, रिटर्न टू स्केल और रिटर्न